वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में, एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी और वीडियोस की तरह आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 ऐसी चीज़ें जो गर्भावस्था में आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जी हाँ, जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको हेल्दी प्रेगनेंसी के टिप्स देती रहती हूँ, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, हेल्दी डाइट के बारे में भी बताती हूँ। आज की वीडियो में मैं उन चीज़ों के लिए बताने वाली हूँ आपको, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अपनी डाइट में प्रेगनेंसी के दौरान। पहले जो हमें प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है वो है कच्चा पपीता या फिर अध पका हुआ पपीता। जी हाँ, आप पक्का पपीता प्रेगनेंसी के दौरान खा सकती हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है, वो हेल्दी होता है। लेकिन अध पका पपीता या फिर कच्चा पपीता मिसकैरेज के लिए, यानी कि बच्चा गिराने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपका मिसकैरेज बहुत जल्दी करता है, तो कच्चे पपीते को आप प्रेगनेंसी के दौरान टोटली अवॉइड करें। दूसरी चीज़ जो गर्भावस्था के दौरान आपको अवॉइड करनी है वो है कच्चा दूध। जी हाँ, वैसे तो दूध प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, क्योंकि दूध आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और प्रेगनेंसी में अक्सर कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। लेकिन दूध अच्छे तरह से उबला ही पिए। कच्चे दूध में साल्मोनेला या इकोलिया नाम का जो है कीटाणु होता है, जो कि आपके शरीर को और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और कहीं ना कहीं आपकी अर्ली लेबर का कारण भी बन सकता है। तो जितना हो सके कच्चे दूध को अपनी प्रेगनेंसी से बाहर ही रखें, दूध अच्छे से बॉयल करने के बाद ही पिएं। तीसरी चीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको अवॉइड करनी है वो है मर्करी वाली मछली। जी हाँ, वैसे तो मछली खाना बहुत ही हेल्दी है प्रेगनेंसी में, लेकिन जिस मछली में मर्करी की मात्रा ज़्यादा होती है उसको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे कि स्पेनिश मैकरल, मार्लिन या शार्क, किंग मैकरल या फिर ट्रेफिश जैसी मछलियाँ जो हैं, उनको प्रेगनेंसी के दौरान खाना बहुत ही घातक आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप जो भी खाती हैं उसका एक अंश गर्भनाल के जरिए आपके बच्चे तक भी पहुंचता है। और मर्करी वाली मछली जो है वो आपके बच्चे के दिमागी विकास पे बैड इफेक्ट डालती है, यानी कि आपके बच्चे के विकास के लिए और दिमागी विकास के लिए ये मछली खाना बिल्कुल ही सेहतमंद नहीं है। चौथी चीज़ जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी है वो है कच्चा या अध पका हुआ मीट। कच्चा या अध पका हुआ मीट खाने से महिला के अंदर एक टॉक्सोप्लाज्मा नाम की इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ये इन्फेक्शन अगर महिला को हो जाती है तो उसके होने वाले बच्चे में अंधापन, मानसिक परेशानियाँ और भी बहुत सारी शारीरिक बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आपको कच्चा या अधा पका मीट टोटली अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके बाद जो आपको चीज़ प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी है वो है पाइनएप्पल, यानी कि अनानास। जी हाँ, अनानास जो होता है ये पहले 3 महीने खाने से मिसकैरेज होने का खतरा रहता है। अनानास खाने से आपकी बॉडी के अंदर ब्रोमेलैन नाम का पदार्थ जाता है, जो आपका अर्ली मिसकैरेज का कारण बनता है। इसके अलावा 3 महीने के बाद भी पाइनएप्पल को अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड ही करें। उसका कारण है कि अगर आप 6वें, 7वें, 8वें या 9वें महीने में ज़्यादा पाइनएप्पल खाते हैं तो हो सकता है कि आपको अर्ली लेबर स्टार्ट हो जाएं, टाइम से पहले लेबर स्टार्ट हो जाएं, तो इसलिए पाइनएप्पल से प्रेगनेंसी के दौरान दूर ही रहें। शराब या फिर सिगरेट टोटली प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करें। शराब के अंदर अल्कोहल नाम की जो चीज़ होती है वो शिशु के अंदर, यानी कि आपके बच्चे के अंदर गर्भनाल के जरिए पहुंचती है,
जो कि आपके बच्चे के मानसिक विकास के लिए और उसके सोचने समझने की शक्ति के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जैसे कि मैं अक्सर बोलती हूँ कि आप क्या खाती हैं, ये आपके बच्चे को अच्छी और बुरी चीज़ों के लिए निर्धारित करता है। आपके बच्चे का मानसिक विकास या फिर शारीरिक विकास डिपेंड करता है कि आप कैसी डाइट लेती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान शराब और धूम्रपान से जितना हो सके दूर ही रहें। इसके अलावा औरत को प्रेगनेंसी के दौरान अध पके हुए अंडे को भी टोटली अवॉइड करना है। जैसे कि बहुत सी औरतें होती हैं जो कि उबला हुआ अंडा जो है, जो पूरी तरह से उबला नहीं होता, हाफ बॉइल्ड एग जो होता है वो खाना पसंद करती हैं। आप वो खा सकती हैं लेकिन बिफोर प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी के दौरान हाफ बॉइल्ड अंडा खाने से आपके बच्चे में टाइफाइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उसे कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है अध पके हुए अंडे के जरिए। टाइफाइड की प्रॉब्लम आपके बच्चे को ज़िंदगी भर रह सकती है अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान हाफ बॉइल्ड अंडे खाती हैं तो। इसलिए अगर आपको अंडा प्रेगनेंसी के दौरान खाना है तो उसे अच्छे से बॉयल करके खाएं, अध पका हुआ अंडा बिल्कुल ना खाएं। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन की मात्रा का सेवन जितना कम हो सके करना है, यानी कि चाय, कॉफ़ी या फिर चॉकलेट जैसी चीज़ें जिनमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनको दिन में आप सिर्फ एक ही टाइम ले सकते हैं। 200 मिलीलीटर तक की मात्रा ही आप कैफीन की एक दिन में ले सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कैफीन लेने से आपके बच्चे का वज़न कम रहेगा और जब आपका बच्चा पैदा होगा तो हो सकता है वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो या फिर बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो। बच्चे का वज़न गिरता है आपके ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से प्रेगनेंसी के दौरान, सो इससे भी जितना हो सके बचें। के बाद जो चीज़ आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है वो है कच्चे अंकुरित अनाज, यानी कि स्प्राउट्स। वैसे तो स्प्राउट्स खाना बहुत हेल्दी माना जाता है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इनको आप अवॉइड ही करें, क्योंकि स्प्राउट्स में साल्मोनेला, लिस्ट्रेरिया और ई कोलाई नाम के कीटाणु होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं इससे आपको फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा आपको वोमिटिंग यानी कि उबकाई और मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी और इन सब चीज़ों की वजह से आपके बच्चे को भी डिस्टर्बेंस होगी और नुकसान भी होगा। तो स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज को भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान मीठी चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करना है। फूड क्रेविंग की वजह से अक्सर महिलाओं को मीठा खाने की इच्छा होती है। कुछ महिलाओं को चॉकलेट और आइसक्रीम खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन आपको जितना हो सके इनसे बचना है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं को मिट्टी या कोयला या फिर ऐसी और चीज़ें जैसे सलेटी वगैरह खाने का मन करता है और ये सब होता है हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से। इसको पिका सिंड्रोम भी कहते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें खाने का मन तो ज़रूर करेगा लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने मन पे कंट्रोल नहीं करती हैं तो इसका नतीजा आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ सकता है और साथ में आपके बच्चे को भी भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान हरी सब्जियां खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन हरी सब्जियों को आप जब भी खाएं बहुत ही अच्छे से धोकर खाएं, कच्ची हरी सब्जियां बिल्कुल भी ना खाएं। उसका कारण होता है कि आजकल सब्जियों पे तरह तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जो केमिकल आपके अंदर जाकर आपके बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए एक तो कच्ची सब्जियां बिल्कुल ना खाएं और दूसरा पकाने से पहले बहुत ही अच्छे से यानी कि 2-3 पानी से सब्जियों को धोने के बाद ही बना के खाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं।
जंक फूड, बाहर की आइसक्रीम, केक, पेस्ट्रीज को टोटली अवॉइड करें, क्योंकि केक या पेस्ट्रीज में जो बाहर से हम खाते हैं उनमें कच्चे अंडे का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कच्चा अंडा आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो अवॉइड करें बाहर की चीज़ों को खाने से जितना ज़्यादा हो सके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लिए कीजिए। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।